स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से। और टुडे में आज हम डिस्कस करने वाले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली है, जहां पर स्टॉक 4 रुपए के करीबन की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है और ये स्टॉक 4.5% के करीबन की तेजी देखने को मिली है। आज के दिन इस स्टॉक में एक पॉजिटिव न्यूज निकल कर आती हुई नजर आई कि इनके क्वार्टर के रिजल्ट पेश किए गए, वहां पर काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इस वजह से इस स्टॉक में ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो लगातार स्टॉक में पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला है। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो इस स्टॉक में पीछे के एक सप्ताह में 12.5% के पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिले हैं। 1 महीने के अंदर 28%, 3 महीने में 27%, 6 महीने में 12% और 1 साल के अंदर 138% के पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। इस स्टॉक में देखें तो लगातार स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो कुछ इस प्रकार का देखने को मिला है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो स्टॉक में एक हाई बॉटम बनता हुआ नजर आया 96 रुपीज के स्टॉक में एक हाई बना था। ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, जहां पर स्टॉक का एक लो बनता हुआ नजर आया 61 रुपीज का इस स्टॉक में एक लो बना और यहीं से स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। स्टॉक में एक रुकावट रेंज थी 83 रुपीज, जिसे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया गया और यहां से देखें तो पीछे के 3 दिनों से लगातार स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक में अगर आप इस स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 88 रुपीज के एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 120 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।